अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसी रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई लोग, मेड इन इंडिया ट्रेंडिंग में आजकल, तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मेड इन इंडिया कार्स पे वीडियो बनाओ, तो आज उस पे बनाते हैं। चलें तो देखते हैं वीडियो, उसके बाद बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी कार का निर्माण कहाँ पर होता है। भारत में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स हैं और उनके अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग प्लांट है जहाँ पर उनके बहुत सारे टाइप्स के मॉडल बनते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में आपको मैं आज सब कुछ बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स का इंक्लूड किया है, ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स का अलग अलग पार्ट आने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा मोटर्स से। टाटा मोटर्स की बहुत सारी गाड़ियां भारत में बिकती, जिनमें टाटा टियागो और टाटा टाइगर का निर्माण गुजरात के सानंद प्लांट में होता है। और इसके अलावा अल्ट्रॉस की बात कर ले तो टाटा अल्ट्रॉस का प्रोडक्शन पुणे में होता है, टाटा नेक्सॉन का प्रोडक्शन रांजनगांव पुणे में होता है और टाटा हैरियर और टाटा सफारी का प्रोडक्शन पिंपरी चिंचवड़ पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कंपनी की बात कर ले तो वो है महिंद्रा। महिंद्रा के प्रोडक्ट लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं, जिनमें स्कॉर्पियो का प्रोडक्शन नासिक और हरिद्वार प्लांट में होता है। बोलेरो का प्रोडक्शन पहले नासिक प्लांट में हुआ करता था, पर आज हरिद्वार और चाकन में फिलहाल चल रहा है। इसी के साथ साथ XUV 500 की बात कर ले तो XUV 500 का प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। थार की बात कर ले तो थार का प्रोडक्शन नासिक में होता है और अपने हिसाब से महिंद्रा इस फैसिलिटी को कस्टमाइज करती रहती है। इसके अलावा मराजो और वेरिटो का निर्माण नासिक में होता है और महिंद्रा जीतो जो एक स्मॉल कमर्शियल ट्रक है उसका निर्माण महिंद्रा के जहीराबाद प्लांट में होता है। बोलेरो पिकअप जो इस सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है उसका प्रोडक्शन कांदिवली प्लांट और नासिक प्लांट में होता है। नासिक प्लांट में महिंद्रा बोलेरो पिकअप का सबसे छोटा वेरिएंट बनता है जो है मैक्सी ट्रक और कांदिवली प्लांट में 1.7 और 1.3 टन का भी प्रोडक्शन चलता रहता है। इसी के साथ साथ TUV 300 का प्रोडक्शन चाकन पुणे में होता है और XUV 300 का प्रोडक्शन नासिक प्लांट में होता है। अल्ट्रा G4 जो महिंद्रा की सबसे कॉस्टली कार है और सबसे प्रीमियम कार है उसका प्रोडक्शन महिंद्रा के चाकन फैसिलिटी में होता है। सुप्रो और मैक्सिमो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन प्लांट में होता है और KUV 100 जो महिंद्रा का सबसे छोटा प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन चाकन प्लांट में होता है। पर महिंद्रा कभी कभी अपने डिमांड के हिसाब से फैसिलिटीज को कस्टमाइज करती है, जैसे कि बोलेरो पहले नासिक में बना करती थी, अभी वो हरिद्वार और चाकन में बनती है। और महिंद्रा के साथ साथ बाकी कंपनियां भी यही करती है, जिस गाड़ी का डिमांड ज्यादा है उस गाड़ी के हिसाब से वो फैक्ट्री को कस्टमाइज करती है और उसका प्रोडक्शन उनकी सारी फैसिलिटी में चलता रहता है। इसी के साथ साथ थर्ड कंपनी की बात कर ले तो वो है मारुति सुजुकी। भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी है और जिनका मदर प्लांट है वो है गुड़गांव हरियाणा में। इस प्लांट में आल्टो, वैगनार, इको, इग्निस, सेलेरियो, XL6, एल्टिगा, एस क्रॉस, ब्रिजा जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। मतलब ऑलमोस्ट 80% गाड़ियों का निर्माण गुड़गांव प्लांट में होता है। बात करेंगे भारत के सबसे बड़े सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की, जो है ह्युंडई मोटर्स। ह्युंडई मोटर्स का प्लांट चेन्नई के पास इरुंगुत्तुकोट्टई में स्थित है, जहां पर क्रेटा, ट्यूसॉन, एलेंट्रा, वेन्यू, औरा, वर्ना, सेंट्रो, एक्सेंट, i10, i10 न्यूस, i20 का प्रोडक्शन चलता रहता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी ह्युंडई कार्स का निर्माण यहीं पर होता है। और इसी प्लांट के पास ह्युंडई का सबसे बड़ा स्टॉकयार्ड भी है, जहां पर ह्युंडई की बहुत सारी गाड़ियों को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से पूरे भारत में डीलर किया जाता है। कंपनी की बात करें तो वो है MG यानी मोडिस गैरेजेस। इनकी हेक्टर और ग्लोफ्चर इन गाड़ियों का निर्माण हलोल, वडोदरा, गुजरात में होता है। और इसी के साथ साथ किया सेल्टॉस, किया सोनेट, किया कार्निवल का निर्माण अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में होता है। इसी के साथ साथ प्रीमियम ब्रांड जैसे कि रेंज रोवर, लैंड रोवर, जैगवार की बात करें तो इनकी फैसिलिटी पिंपरी पुणे में है। यहाँ पर ये गाड़ी असेंबल और बनती है। इस प्लांट में लैंड रोवर, रेंज रोवर इवॉक, रेंज रोवर वेलार, रेंज रोवर स्पोर्ट, जैगवार XE, जैगवार F-Pace जैसे गाड़ियों का निर्माण होता है। और प्रीमियम ब्रांड ऑडी की बात करें तो ऑडी का प्रोडक्शन फैसिलिटी औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इनका प्लांट एक पुणे में भी है, जहाँ पर इनकी गाड़ियों की असेंबली होती है। इसी के साथ साथ स्कोडा की बात करें तो स्कोडा रैपिड, ऑक्टाविया, सुपर्ब, कोडियाक इन गाड़ियों का निर्माण 2017 तक पुणे में होता था, पर अभी इन गाड़ियों का निर्माण औरंगाबाद में होता है। फोक्सवैगन की बात करें तो फोक्सवैगन की पोलो, वेंटो और रमियो इन गाड़ियों का निर्माण चाकन पुणे में होता है और इनकी कुछ गाड़ियों को इम्पोर्ट भी किया जाता है जो भारत में नहीं बनती है। इसी के साथ साथ पुणे सिटी में एक जबरदस्त कंपनी का प्लांट है जो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज एक प्रीमियम ब्रांड है भारत का, जिसे आप सभी जानते होंगे। इनकी सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास, CLA कूप, मेबैच एस क्लास, GLA, GLC, GLE, GLS इन मॉडल्स का निर्माण मर्सिडीज बेंज के पुणे फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ भारत की बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडा की बात करें तो होंडा की कार्स का प्रोडक्शन
तापुकरा राजस्थान में होता है। और इसके अलावा भारत की लीजेंडरी कार्स यानी टोयोटा की बात करें तो टोयोटा इनोवा, फॉर्चुनर, इटियोस, लीवा की बात करें तो इनका प्रोडक्शन बिदादी कर्नाटक में होता है और इनका इंजन प्लांट बेंगलोर के पास है। इसके बाद आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट भारत की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है जिनकी डस्टर, क्विड, ट्राइबर, कैप्चर, फ्लुएंस, लॉजी इन गाड़ियों का निर्माण चेन्नई में होता है और इन्हीं के साइड में यानी इन्हीं के प्लांट में ही निसान मैग्नाइट, किक्स, सनी इवालिया का प्रोडक्शन भी होता है। इन दोनों कंपनियों का जॉइंट वेंचर होने के कारण इन कंपनियों के प्लांट अगल बगल में ही है और मतलब एक ही फैसिलिटी में गाड़ियाँ बनती है पर सिर्फ नाम अलग अलग है, पर प्रोडक्ट्स का लाइनअप और प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म देखें तो बहुत सारे इसमें सिमिलरिटीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है अमेरिकन ब्रांड फोर्ड। इस कंपनी की फिगो, एस्पायर और फ्री स्टाइल इन गाड़ियों का निर्माण सानन गुजरात में होता है और इसके अलावा इनकी लीजेंडरी कार जैसे कि इको स्पोर्ट और इंडेवर इन बड़ी गाड़ियों का निर्माण फोर्ड के चेन्नई फैसिलिटी में होता है। इसी के साथ साथ चेन्नई सिटी में दो एसी कार्स भी बनती है जो बहुत ज़्यादा लग्जरी मानी जाती है, जिनमें से पहले BMW, BMW की 1 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, X1, X2, X3, X5 इन गाड़ियों का प्रोडक्शन चेन्नई में होता है BMW फैसिलिटी में और इसी सेम प्लांट में मिनी जो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है इसका भी प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है। इसी के साथ साथ भारत में नई आई हुई कंपनी सिट्रन जो एक फ्रेंच कंपनी है, इस कंपनी का प्रोडक्शन फैसिलिटी थिरुवल्लूर तमिलनाडु में स्थित है जहाँ पर इनकी गाड़ियों का निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद आती है फियाट इंडिया लिमिटेड यानी जीप। इस कंपनी का प्लांट पुणे के पास रंजनगांव में स्थित है, यहाँ पर कंपास जैसी गाड़ियाँ बनाई जाती है और इससे पहले जब फियाट भारत में मौजूद थी तब इनकी गाड़ियाँ भी यहीं पर ही बना करती थी। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कार्स के ऊपर ही फोकस किया है पर इसी के साथ साथ ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स और ट्रैक्टर्स का भी एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको कौन सी गाड़ी कहाँ पर बनती है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी है वो सारी इंटरनेट के माध्यम से दी है और इसी के साथ साथ इसमें कोई चेंजेस या सुझाव होगे तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें तो भाई ये तो टोटल कोई ब्रांड मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं रह गया जो इंडिया में ना हो। BMW, उसके बाद BMW की जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबसे वो, फिर मर्सिडीज, रेंज रोवर, बाकी इंडिया के ब्रांड्स तो जैसे टाटा हो गया या एक और महिंद्रा है ना, ये तो इंडिया के हैं। और आप लोग हमें ये भी बताइए कि जो इनके अंदर इन्होंने नाम बताया ना इसमें और इंडिया के कौन कौन से ब्रांड हैं। काफ़ी सारे तो बाहर के भी हैं जो मशहूर हैं लेकिन इंडिया के भी काफ़ी सारे प्लांट्स तो यहीं पर हो रहे हैं ना ज़्यादातर, जो बाहर से इंजन वगैरह या ये वो बाहर से आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो इंडिया के अंदर ही हो रही है। जो ओवरऑल दोस्तों इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है और टैक्सेस से बहुत ज़्यादा बच रहा है। बिल्कुल, अगर अब यहाँ पर जो 11 लाख 12 लाख की गाड़ी है वो यहाँ पर अब 70 लाख से ऊपर हो गई है। ये एक वो आपने देखी है जैसे वो ना फॉर्च्यूनर टाइप गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर 10 लाख लिखा हुआ था। तो भाई ये यहाँ पे वो 2 करोड़ की होगी पक्की बात है। ऐसे ही यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी ना ऑटोमेटिकली वो मुल्क ग्रो करेगा, वो कहीं ना अपर लेवल पर चला जाएगा। आप ये देखें ये तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं, इनके जो बाइक्स हैं, एक व्लॉग देख रहा था मैं तो उसके अंदर वो फिर रहा था अफ्रीका के अंदर, भाई हर बंदा, ये जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है ना बाइक्स, हर बंदे के पास सिर्फ एक ही बाइक चल रही है क्योंकि वो सस्ता बेच रहे हैं जहाँ पर ये जो होंडा या दूसरी कंपनीज है ना वो हमें इंडिया पाकिस्तान के अंदर चल रही है। इन्होंने अपना जो ब्रांड बनाया जो टाटा ऐसे जो है ना इनके ब्रांड, तो इन्होंने जो अपने बाइक्स है ना वहाँ पर लॉन्च की हुई हैं, वहाँ पर धड़ाधड़ बिक रही हैं और हर बंदा उसने जाता दिखा देख रहा है, कार बाइक सारी वहाँ पर चल रही हैं। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की, तो पाकिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए भाई। पाकिस्तान के अंदर तो भाई अगर ये BMW या मर्सिडीज या रेंज रोवर इनका ही कोई आ जाए ना तो मैं कह रहा हूँ आधी गुर्बत जो है ना वो बेरोजगार जो लोग हैं वो खत्म हो जाएंगे, कितना बड़ा तो प्लांट होता है इसके अंदर। अब इसी मैं सोचता था ये कि इंडिया की अगर करेंसी का भी हम हिसाब लगाएं ना तो 3 गुना का होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, लेकिन ये 5-6 गुना से भी ज़्यादा बनता है। उसका यही है कि ये मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर ही हो रही है। तो ये भाई कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इंडिया के अंदर काम नहीं कर रहा हो, वो छोटे से छोटा भी दिखा रहे थे जिनका पाकिस्तान में हमने सुना ही नहीं है ना, इंडिया वालों ने भी कम ही सुना होगा लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और यही इंडिया की जो है ना पावर है। इंडिया कामयाब इस वजह से हो रहा है, पाकिस्तान से इस वजह से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान ने भाई इसमें
कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, इसने सिर्फ एक तरीका अप्लाई किया हुआ है बहुत पहले से, वॉर्स लड़ो और इसके अलावा भीख मांगो, ये हमारा तरीकाकार है। और अयाशी करो, हुक्मरान अयाशी करें और नीचे वाली आवाम वो टैक्स भरती रहे और उनके ऊपर कानून लागू हो जाए। बनी बनाई चीज़ें मंगाओ बाहर से, जैसे अभी सैमसंग की कंपनी आई थी पिछले एक दो साल में, वो कराची के अंदर उन्होंने प्लांट लगाया था, वो भी भाग गए हैं दोबारा। भाई यहाँ पे ना बिजली होगी ना गैस होगी, कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे ना, कंपनीज बनाते हैं ना आने देते हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे होगा कंपनीज वहाँ नहीं आती, कंपनीज देखती हैं ओवरऑल। अब इंडिया जो कहते हैं ना चांद पर गया उससे क्या फ़ायदा होगा, इंडिया को नुकसान ही हो रहा है, इतने पैसे अगर अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने पे लगाए जाएँ, गुर्बत को ख़त्म करने पे लगाए जाएँ तो ठीक हो, तो वही वो अब इंडिया जो शोहरत मिली है अब इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर अट्रैक्ट होंगे कि ये मुल्क टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, ये अपर लेवल पर जा रहा है, हर चीज़ के अंदर एडवांस है, तो वहाँ पर फिर इन्वेस्टर्स उनको ट्रस्ट बढ़ जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर ये है नहीं बदकिस्मती से। और हमारे अंदर तो वो भी नहीं है ना, इन्वायरमेंट भी तो हम नहीं दे सकते इन्हें, ना गैस फराहम कर सकते हैं ना बिजली, तो जहाँ पे सबसे महंगी बिजली और गैस होगी वहाँ पे कौन काम करेगा। तो वो होगी तो अलग बात है, वो इतनी महंगी भी अवेलेबल नहीं, वो जनरेटर से उनको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सारी, वो LPG इस्तेमाल करते हैं। तो भाई लोग ये थी वीडियो, और बड़ा भाई मुझे तो अच्छा लगा यार कि आप ब्रांड्स, जो कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो काम नहीं कर रहा, और कोई होगा भी नहीं जो ना करना चाहे, तो भाई यही इंडिया की तरक्की का राज है, मेड इन इंडिया जो है ना वो कुछ अगले चंद सालों में वो पूरे एशिया के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर देखा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, और मज़ीद ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ हमें रेकमेंड भी किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।